जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण है योग। योगाभ्यास प्राचीन काल से चला आ रहा है और युगों युगों से गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा योग का ज्ञान परंपरागत तौर पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलता रहा है। योग में यौगिक क्रियाओं द्वारा शरीर, मन और आत्मा के बीच संयोग स्थापित होता है। प्राचीन मान्यता है कि स्वस्थ शरीर में ही ईश्वर बसता है। ऋषियों ने शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही योग को जन्म दिया। योग से तन मन की स्वस्थता के साथ आध्यात्मिक उन्नति के भी मार्ग खुल जाते हैं। योग संयोजक है हमारे भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर का, या फिर ये कहें कि मूल मंत्र है स्वयं को पहचानने का। अगर योग की बात की जाए और योगीराज सदगुरु श्री श्री मंगेशदा की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अपने 45 सालों के योगाभ्यास के अनुभव के कारण मंगेशदा योग के पर्याय बन चुके हैं। योग एक विज्ञान है, इस विषय का संपूर्ण ज्ञान उनकी बातों से और उनके कार्यों से ही मिल जाता है। हमारे सदगुरु और श्री मंगेशदा क्रियायोग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री मंगेशदा ने अपने जीवन के माध्यम से हम सबको बहुत ही प्रेरणादायी संदेश दिए हैं। मुंबई के पश्चिमी उपनगर दहिसर के एक बहुत ही साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में 9वीं संतान के रूप में उनका जन्म हुआ। बचपन में ही उन्होंने ये जान लिया था कि अपने आप को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना कितना जरूरी है। अल्प सुविधाओं के बीच भी अपने पिता, अपने बड़े भाई और अपने करीबी बड़े लोगों से उन्होंने योग सीखना शुरू किया और बहुत जल्द वो अपनी काबिलियत के कारण सबके प्रिय और प्रसिद्ध भी हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने कराटे, एथलेटिक और एरोबिक्स में भी निपुणता हासिल कर ली थी। उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप ऑफ कराटे को जीता और एशियन कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल भी हासिल किया। अध्यात्म में उनकी गहरी रुचि थी, यही वजह थी कि वो अपने प्रथम गुरु पुणे के श्री गुणावणी महाराज के संपर्क में आए और उनके सानिध्य में उन्होंने योग विद्या के कई गुर सीखे। सदगुरु श्री मंगेशदा मुंबई यूनिवर्सिटी से विज्ञान के स्नातक हुए, लेकिन योगाभ्यास निरंतर चलता रहा। उनका यही मानना है कि योगाभ्यास ने ही उन्हें न सिर्फ लोगों के बीच प्रसिद्ध बनाया बल्कि सफलता के साथ उन्हें बहुमुखी प्रतिभावान बनाया। वो महाशिवरात्रि का ही दिन था जब उनकी पहली मुलाकात हिमालय के योगी और परम गुरु श्री श्री महाअवतार बाबा जी से हुई। बाबा जी से ही उन्होंने योग विद्या के शुद्ध क्रिया योग के प्रकार को और उसके महत्व को जाना और उन्हीं से दीक्षा प्राप्त की और फिर उन्हीं के साथ वो हिमालय की ओर चल पड़े। वहां 8 साल तक अपने गुरु श्री श्री महाअवतार बाबा जी की निश्रा में क्रिया योग का अभ्यास किया और गुरु कृपा से परम ज्ञान का अनुभव किया। क्रि यानी कि कर्म और या इसका अर्थ है आत्मा। क्रियायोग वैज्ञानिक, तर्कसंगत और पंच आयामी अभिगम है। क्रियायोग की शुद्ध तकनीक से संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त किया जा सकता है। श्री महावतार बाबा जी के क्रियायोग के प्रचार प्रसार के महत्व को उन्होंने जाना और बाबा जी की ही आज्ञा का पालन करते हुए हमारे सदगुरु ने क्रियायोग को हर आम आदमी तक पहुंचाने के लिए सदगुरु मंगेशदा क्रियायोग फाउंडेशन की स्थापना की, जिसके आज दुनिया भर में 89 सेंटर स्थापित हो चुके हैं। श्री मंगेशदा क्रियायोग फाउंडेशन द्वारा कई योग कैंप और अधिवेशन का आयोजन होता है। बच्चों के साथ हुए योग कैंप तो बहुत लोकप्रिय हुए हैं। सदगुरु ये मानते हैं
कि छोटी उम्र से ही योगाभ्यास का आरंभ हो जाना चाहिए। सदगुरु ये कहते हैं कि योग सबके लिए है। अच्छे स्वास्थ्य की, पवित्र और शक्तिशाली विचारों की और ऊर्जा पाने की कामना योग से पूर्ण होती है और इसमें किसी धर्म और जाति का कोई बंधन नहीं है। सदगुरु मानते हैं कि योग से एकता संभव है। विविध सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से वो इसी संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। सदगुरु मानते हैं कि जिस समाज में हम रहते हैं उसका ऋण चुकाना पड़ता है, इसीलिए समाज कल्याण के लिए सफाई अभियान, आई प्लेज वी प्लेज के जरिए चक्षुदान अभियान, प्राथमिक चिकित्सा, किसानों के लिए जल और जमीन संरक्षण अभियान, मेडिकल कैंप, वृक्षारोपण अभियान और तुलसी वितरण जैसे कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किए हैं। उनके इस कार्यों को दुनिया ने जाना है, इसीलिए सदगुरु के सामाजिक कार्यों के लिए विविध प्रकार के सम्मान अवार्ड उन्हें प्राप्त हुए हैं। योग विज्ञान और अध्यात्म के कई कार्यक्रमों में उन्हें आमंत्रित किया जाता है।
आयोग के विज्ञान के प्रसार के माध्यम से हमारे सद्गुरु दुनिया भर में निस्वार्थ प्रेम और क्षमाशीलता का संदेश पहुंचा रहे हैं।